अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में मिली हार की समीक्षा दिल्ली में आज करी और सपा बसपा गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। लोकसभा हार पर आज बसपा सुप्रीमो ने की समीक्षा बैठक। बैठक में सपा गठबंधन को लेकर कोई भी नहीं की चर्चा। अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत सारे गठबंधन बनेगा या बिगड़ेगा या टूटेगा, उस पर अनुमान लगाया जा रहा था। बहन जी किस किस को झाड़ेंगे, किस किस को निकालेंगी, इस पर भी बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे। ईवीएम में बड़ी पैमाने पर धांधली हो रही है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। मायावती ने एक बड़ा ऐलान भी करा है कि कोई भी अपना स्टेटमेंट या कोई भी डिबेट में नहीं जाएगा टीवी चैनल्स के अंदर, बसपा का कोई भी व्यक्ति। 11 विधानसभाओं के उपचुनाव पर, यूपी के अंदर जो 11 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग अकेले ही लड़ेंगे। उन्होंने गठबंधन को अलग भी नहीं करा और साथ भी नहीं बताया। यह बात उन्होंने अपने जो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में ही कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय आजमगढ़ में हैं और वहां रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस खबर के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के महागठबंधन एसपी और बीएसपी अलायंस की में दरार पड़ गई है। मायावती का ये बयान ऐसे समय में आया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें आई हैं और पिछले चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाने वाली बीएसपी 10 सीटें मिल गई हैं। इस नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी में अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा की जा रही है कि बीएसपी का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बात की आशंका सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने पहले ही जता दी थी, उसकी बात सही साबित हुई। गौरतलब है कि बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो और पूरे देश के अंदर जो है बहुजन समाज की वोट सिर्फ बसपा की ही एक ऐसी वोट है जो सिर्फ बहन कुमारी मायावती के आदेश पर एक मिनट में इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।